हेलो बच्चों, स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित YouTube चैनल करम विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। आपने इससे पहले श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया है। श्रेणी क्रम संयोजन में आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी सेल हम कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर आता था। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था। ओके, इसमें देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु से और ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे बिंदु से कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से मान लीजिए एक सेल है, E1 विद्युत वाहक बल है और R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध है। एक और सेल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 है, विद्युत वाहक बल E2 है। इनके धनात्मक टर्मिनल एक तरफ और ऋणात्मक टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों धनात्मक टर्मिनल मान लो यहाँ जुड़ गए, ये दोनों ऋणात्मक टर्मिनल यहाँ जुड़ गए। ठीक है, ऐसे इस बिंदु को आप A मान लो, इस बिंदु को B मान लो। बिंदु A पे धनात्मक टर्मिनल जुड़े हुए हैं और बिंदु B पे ऋणात्मक टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो सेल समांतर क्रम संयोजन में बोले जाएंगे। इन पे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R भी कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कैपिटल R है। ठीक है, तो बच्चों इस परिपथ में इन सेलों से अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो है I1, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी मान लो I2। ये दोनों ही धाराएं यहाँ पे आके इस नोड A पे जुड़ जाएंगी और इधर जो धारा प्रवाहित होगी वो I होगी, जिसका मान I1 प्लस I2 के बराबर आएगा। I बराबर कितना आएगा बच्चों? I1 प्लस I2 के बराबर। यहाँ से I1 धारा आई, यहाँ से I2 और उनको योग, इधर धारा प्रवाहित होगी इस प्रतिरोध R में। ठीक है, ऐसे चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है तो धारा का विभाजन हो गया है, तो हम अलग अलग सेलों के लिए अब लिखते हैं। सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए मैं बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? टर्मिनल वोल्टता। बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता VAB क्या होगी? VAB बराबर ये आएगा आपका, कितना आएगा बच्चों? इसको VAB को V मान लो, चलो V मान लो। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर E-IR। तो यहाँ पे E कितना है? E1 के बराबर माइनस धारा है I1, आंतरिक प्रतिरोध है R1, ऐसा लिखा जाएगा। V बराबर E1 माइनस IR1। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, I1 का मान याद कर लो। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे I1 R1 बराबर E1 माइनस V या I1 बराबर E1 माइनस V बटे R1। ऐसे ये धारा का मान लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब आप सेल E2 के लिए लिखिए। सेल E2 के लिए टर्मिनल वोल्टता, देखो सेल E2 भी A और B के बीच में ही जुड़ा हुआ है और सेल A भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, तो दोनों की टर्मिनल वोल्टता समान रहेगी। तो सेल E2 के लिए टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर E2 माइनस I2 R2, लिखा जाएगा ऐसे। इसमें विद्युत वाहक बल E2 है, I2 R2, इस पर विभव पतन है।
तो v बराबर इसमें भी इसी तरह से i का मान निकाल लो, i2 r2 बराबर e2 माइनस v, या r2 बराबर e2 माइनस v बटे i2। ये सॉरी i2 का मान निकालना मेरे को, i2 बराबर e2 माइनस v बटे r2। i2 का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब आप देखिए बिंदु A पर, चूंकि बिंदु A पर I बराबर है I1 प्लस I2, है ये I1 और I2 का मान रख दीजिए यहां पे, समीकरण एक व समीकरण दो से I1 व I2 के मान रखने पर, I1 वे I2 के मान रखने पर, रखते हैं I बराबर I1 कितना होगा E माइनस बी बटे आर वन प्लस E1 माइनस बी प्लस E2 माइनस बी बटे आर टू, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब आप ये मान के चलिए कि इन दोनों सेलों का संयोजन किया, दोनों सेलों के संयोजन से एक तुल्य सेल की कल्पना करें जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के बराबर, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो R इक्विवेलेंट के बराबर हो, तो हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि ये एक सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट, आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, और ये बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में I के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमें ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, वो इस समीकरण से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लघुतम ले लीजिए आप, आई बराबर दिख रहा है आपको, आई बराबर अच्छो आर वन आर टू लघुतम आएगा, ठीक है। आर वन से आर वन कैंसिल, आर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ई वन माइनस वी प्लस आर टू कैंसिल ई टू माइनस वी, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। या मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, आई बराबर मल्टीप्लाई करो ई वन आर टू माइनस वी आर टू प्लस ई टू आर वन प्लस ई टू आर वन माइनस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, प्लस ई टू आर वन माइनस वी आर वन, ऐसे लिख लेंगे, बटे इसके बटे में आर वन आर टू। या आई बराबर देखिए ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन आर टू, इसको मैंने अलग लिख लिया है, यहाँ से मैंने माइनस वी कॉमन किया, माइनस वी कॉमन किया तो आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू, इसको अलग लिख लिया है। ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी भाई, दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, विभव वाले पदों को देखो, विद्युत वाहक बलों वाले के, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, इसके बटे में आर वन आर टू आएगा, लघुतम को मैंने अलग अलग कर दिया, इसके बटे में भी इसके बटे में भी, माइनस का वी कॉमन आया इन दोनों पदों में से, तो यहाँ बचेगा आर वन प्लस आर टू बटे लघुतम आर वन आर टू, ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को इधर सोल्व करना पड़ेगा, ये डायग्राम मिटा रहे हैं हम, नोट कर लीजिए एक बार इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो पॉज करके, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए देखिए,
उस समीकरण को सरल करें तो मुझे v के पदों में समीकरण का मान निकालना है, तो मैं ऐसे करता हूँ, v वाले पद को उठा के यहाँ ले आता हूँ इस तरफ, तो v इंटू आर वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन आर टू माइनस आई। बोला ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला पद इस तरफ और i इस तरफ, v निकालना है आपको। ठीक है, ऐसे हो गया। इसका भाग कर दीजिए, पहले आप एक बार फिर लघुत्तम लेना, R1 वन प्लस आर टू बटे आर वन आर टू बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई इन टू आर वन आर टू बटे आर वन आर टू। इसका लघुत्तम कितना आया, आर वन आर टू लघुत्तम आया, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस ये इससे गुणा हो जाएगा, या v बराबर अब ये इधर भेजो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई इन टू आर वन आर टू बटे आर वन आर टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आएगा, आर वन आर टू से आर वन आर टू कट जाएगा, या v बराबर बचेगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। अलग अलग कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, ठीक है, या माइनस आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ये समीकरण बनेगी, ध्यान दीजिए इस पर, ये v के पदों में मैंने इस समीकरण को सरल किया और सरल करके v के पदों में समीकरण बनाया। v बराबर आया e1 r2 plus e2 r1 into r1 r2, e1 r2 plus e2 r2 divided by r1 plus r2 minus i into r1 r2 by r1 plus r2, यह समीकरण हो गया है। ठीक है, इतना इसको मिटाते हैं। अब आपने जो तुल्य परिपथ बनाया था वो ये वाला तुल्य परिपथ है, ये वाला तुल्य परिपथ है, तो तुल्य परिपथ से आप क्या लिख सकते हो, तुल्य परिपथ से देखें तो हम लिख सकते हैं v बराबर e इक्विवेलेंट माइनस i इंटू r इक्विवेलेंट। ये होगा कि नहीं होगा भाई, यस, ये इक्वेशन तीन, ये इक्वेशन चार। ठीक है, इक्वेशन तीन और इक्वेशन चार की तुलना करो, समीकरण तीन व समीकरण चार की तुलना करने पर तुलना करिए बच्चों, E इक्विवेलेंट तो इसके बराबर होगा, माइनस आई से माइनस आई कैंसिल, और R इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, है ना, दोनों इक्वेशन सेम, तो हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, ठीक है, और R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा बच्चों, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये है तुल्य विद्युत वाहक बल और ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हैं, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल इस समीकरण से निकलेगा, E1 R2 plus E2 R1 बटे R1 plus R2 करके, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध इस समीकरण से निकलेगा R1 R2 बटे R1 plus R2 से। देख लीजिए, अब हम बाह्य परिपथ में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, बाह्य प्रतिरोध
या परिपथ आर में प्रवाहित धारा, आर में प्रवाहित धारा, धारा आई, आई बराबर होगा ई इक्विवेलेंट बटे स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस आर, फॉर्मूला ये लगेगा, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध में ये आर भी जुड़ गया है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट तो था ही आंतरिक प्रतिरोध, प्लस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध भी काम में आ रहा है, तो इस समीकरण से आप विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। ओके, समझ आया आपको, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट वहां से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस देखिए। कंडीशन फर्स्ट, यदि एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं समान प्रकार के, यदि एन समान प्रकार के सेल, यदि एन समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो, यदि एन सेल एन समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बच्चों देखो ऐसे है, ई वन बराबर ई टू, ये सब किसके बराबर हैं, ई के बराबर हैं, सबका आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट ये वाली समीकरण देखिए, ई वन ई आर प्लस ई आर बटे बटे आर, ऐसे लिखा जाएगा ना, ई वन आर प्लस ई आर प्लस ई आर प्लस आर 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 एन आर, ऐसे लिखा जाएगा, ये भी एन तक रहेगा, एन तक, और ये भी एन तक रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, इसके लिए मैं एक इक्वेशन और करवाता हूँ आपको, थोड़ा इजीली आप कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे करते हैं हम, एक मिनट, पहले मैं ये वाली कंडीशन बाद में लिखूँगा, ये वाली कंडीशन देखिए आप, इसमें इसका डिवाइड करो, यानी कि ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट ज्ञात करो आप, तो आप क्या लिखोगे, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, इसमें भाग दिया आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू का, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन आर टू, ये बचा, ये बचता है आपके पास, इसके लघुत्तम को भी अलग अलग करोगे, इसके बटे में ये आर टू से आर टू कट जाएगा, तो ई वन बटे आर वन लिख सकते हैं, इसके बटे में ये आर वन से आर वन कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं ई टू बटे आर टू, ठीक है, ये हो गया ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, ऐसे लिखा जाएगा किसको, ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग दें तो आप लिख सकते हो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान का अनुपात ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, यानी कि अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोधों के अनुपातों के योग के बराबर होगा, अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के बराबर होगा। अब इस आधार पर मैं आपको ये कंडीशंस करवाता हूँ, फॉर्मूला याद है, इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर ई वन बाय आर वन ई टू बाय आर टू, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू। अब देखिए, यदि एन समान प्रकार के सेल, समान प्रकार के सेल जिनका विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, ई बाय आर प्लस ई बाय आर कहाँ तक, एन तक लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, या ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा एन ई बाय आर, बोलो ऐसे आएगा, इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, एन ई बाय आर,
यहाँ से ई इक्विवेलेंट मुझे ज्ञात करना है। ई इक्विवेलेंट बराबर होगा एन ई बाय आर इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट, अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा जब एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है बच्चों 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर आता है 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई समांतर क्रम में यही होता है। जब n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो समांतर क्रम में कैसे ज्ञात करते हैं तुल्य प्रतिरोध, 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री एंड सो ऑन करके, तो 1 बटे आर प्लस 1 बटे आर 1 बटे आर ऐसे आएगा, यानी कि आ जाएगा बराबर n बटे आर, या उल्टा कर दो आर इक्विवेलेंट बराबर आता है n बटे सॉरी आर बटे n। तो आर इक्विवेलेंट का मान आ गया आर बटे n, यहाँ रखिए E इक्विवेलेंट बराबर एन ई बटे आर बटे आर बटे एन, आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ई बचेगा, यानी कि ई इक्विवेलेंट बराबर ई आता है। यानी कि जब एन सेल एन समान प्रकार के सेल, ये कंडीशन देखिए, जब एन समान प्रकार के सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल ई के बराबर ही होता है, अर्थात उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल उतना ही होगा जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वही तुल्य विद्युत वाहक बल माना जाएगा। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा आर बटे एन के बराबर। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। तो इस स्थिति में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा का फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, यही फॉर्मूला करवाया मैंने। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रखिए आप ई इक्विवेलेंट का मान है ई के बराबर और आर इक्विवेलेंट का मान है आर बटे एन प्लस आर। ठीक है, एन लघुतम ले लीजिए तो एन लघुतम लेके ऊपर आ जाएगा एन ई बटे आर प्लस आर एन, एन ई बटे आर प्लस कैपिटल आर इंटू एन, इतना इतनी धारा प्रवाहित होगी परिपथ में, ये आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, तो समांतर क्रम संयोजन में इतना ही था, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 5.4 दिया गया है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 5.4, चित्र में दो आदर्श बैटरियों को 5.14 है सॉरी 14, ठीक है, दो आदर्श बैटरियों को प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक बैटरी है ऐसे, ठीक है, ये एक प्रतिरोध जोड़ रखा है बीच में, ओके, फिर आगे एक और बैटरी है ऐसे, और इधर एक और प्रतिरोध जोड़ रखा है चारों, और परिपथ बंद कर दिया गया है 9 वोल्ट, इन दो बिंदुओं के बीच में ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बी और सी के बीच में, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, प्रतिरोध 2 ओम, बैटरी 6 वोल्ट। ठीक है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, वो 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है आई, इधर भी धारा जा रही है, इधर धारा है, ये परिपथ है। तो बच्चों अब आपको देखना है इसमें परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला ये लिखना है आई बराबर ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर। अब यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध दिया ही नहीं गया, सेल का कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा है, तो आंतरिक प्रतिरोध तो चूंकि यहाँ पे लगभग जीरो माना गया है, जीरो ही माना गया है, इसलिए आई बराबर होगा ई इक्विवेलेंट बटे आर के, इक्विवेलेंट बटे आर के बराबर होगा। ठीक है, आर इसका तुल्य प्रतिरोध है परिपथ का। पहले आप ई इक्विवेलेंट ज्ञात करिए, ई इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये दो सेल हैं,
एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, दोनों के प्लस प्लस टर्मिनल। मैंने सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझाया था। श्रेणी क्रम संयोजन में जब सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं तब तो उनका विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 होता है। अगर इसका E1 है, इसका E2 है, तो इक्विवेलेंट बराबर ये करवाया था जब माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है तो। और अगर ये टर्मिनल घुमा दिया, अगर टर्मिनल घुमा दिया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल जोन सा वाला बड़ा होगा उसमें से छोटा विद्युत वाहक बल माइनस होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल जो कि इक्विवेलेंट बराबर होगा E1 माइनस E2 के, तो इक्विवेलेंट बराबर होगा 9 माइनस 6, यानी कि इक्विवेलेंट बराबर आएगा 3 वोल्ट। ओके, 3 वोल्ट के बराबर तुल्य विद्युत वाहक बल इस परिपथ में प्रवाहित, तुल्य विद्युत वाहक बल इस परिपथ में लगा हुआ है। ओके, और ये जो 2 ओम और 4 ओम है ये प्रतिरोध कैसे हैं? ये श्रेणी क्रम में रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चों? ये श्रेणी क्रम में इसका परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध रहेगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि अगर इन बिंदुओं को मैं खोलूँ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की बात करूँ तो इन दोनों बिंदुओं के बीच को खोल के ऐसे सीधा कर दूँ मैं, इस बिंदु को हटा के, या इन दोनों बिंदुओं के बीच में देखो तो इसको हटा के सीधा कर दें, तो इसको हटा दें तो एक सीधी रेखा आएगी, सीधी रेखा पे 2 ओम आएगा और 4 ओम आएगा, ऐसे आएगा भैया। तो दोनों प्रतिरोध कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम, कैपिटल R बराबर होगा 6 ओम के बराबर, 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे मान रख लीजिए इक्विवेलेंट बराबर आया कितना, 3/6 भाई 1/2, तो धारा का मान 0.5 एम्पियर इस परिपथ में प्रवाहित होगा, 0.5 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेके चलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत धारा तो चैप्टर का नाम है, अगला टॉपिक हमारा विद्युत ऊर्जा रहेगा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, आप किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल लगाते हो, सेल जोड़ देते हो, जैसे ही सेल कनेक्ट करके स्विच ऑन किया जाता है धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि स्विच ऑन करते ही धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई? तो इसके पीछे कारण ये है कि जब आप सेल जोड़ते हैं परिपथ में तो सेल आवेशों पर धक्का लगाता है, सेल क्या करता है, आवेशों पर धक्का लगाता है और आवेशों को प्रवाहित करता है, धक्का लगा के आवेशों को तार में प्रवाहित करता है। जब सेल के कारण आवेश तार में प्रवाहित होने लगेंगे सेल के द्वारा दिए गए धक्के से, तो धारा उत्पन्न होगी। तो धक्का लगाने में सेल क्या करेगा? कार्य करेगा। धक्का लगाने में जो कार्य किया जाता है आवेशों को, या परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, टी समय के लिए जो कार्य किया गया वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा। ये होगा किसी समय के लिए कोई निश्चित समय दिया जाएगा आपको, किसी निश्चित समय के लिए सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, धारा के प्रवाह में किया गया कार्य, धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, देखो, माना स्मॉल टी समय में परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूले से याद करेंगे, Q = IT। ठीक है, आवेश Q को परिपथ में
प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W, W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V होता है। Q का मान रख दो, चूँकि Q बराबर है IT, तो W बराबर VIT। ये कार्य किया जाएगा, यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेल की विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो कार्य के मात्रक के बराबर ही होगा, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। लेकिन आप यहाँ से भी एक मात्रक निकाल सकते हो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और एक मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हो, वी आई। चलो मैं इसको बाद में लिखूँगा, फिलहाल आप इसको जूल ही लिख लो, जूल लिख लो। वाट इंटू सेकेंड भी इसका मात्रक होता है, क्योंकि पी, पी बराबर होता है वी आई, शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकेंड, तो वाट गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड भी एक मात्रक है कार्य का, जिसको हम जूल के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम जूल के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जूल जो है वो एक वाट इंटू एक सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मात्रक ऐसे लिख सकते हैं, एक जूल बराबर एक वाट गुणा सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक भी होता है बच्चों, देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलो वाट आवर, व्यावसायिक मात्रक किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ। इसका दूसरा नाम बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट भी बोलते हैं, BOT भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेडिशनल यूनिट, BOTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। कितना होता है एक किलो वाट आवर, देखिए एक किलो वाट आवर को आप पहले वाट में बदलो, तो 1000 वाट गुणा आवर, आवर को सेकंड में बदलो, 60 गुणा 60 सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा भाई। एक किलो वाट बराबर 1000 वाट और एक घंटा बराबर 60 गुणा 60 सेकंड, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 1000 गुणा 60 गुणा 60 गुणा वाट गुणा सेकंड, लिख सकते हैं इसे। ये कितना होगा, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 36 गुना 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। एक जूल बराबर आ रहा है ये, सॉरी एक किलोवाट बराबर, एक किलोवाट आवर बराबर है ये, क्या है ये, एक किलोवाट आवर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड। अभी मैंने वहाँ लिखा कि वाट इंटू सेकेंड को जूल लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, यानी कि एक किलोवाट आवर जो व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, उसकी वैल्यू जूल में ज्ञात करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगी। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, विद्युत शक्ति, उसको देखिए। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इसको हम संकेत कैपिटल P से व्यक्त करेंगे, और इसकी परिभाषा जो होगी वो होता है कि एकांक समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। किसी परिपथ में सेल द्वारा
किसी परिपथ में सेल द्वारा एक सेकंड में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति P बराबर W बटे T होगा। ठीक है, चूंकि आपने देखा W बराबर होता है VIT, ये देखा आपने विद्युत ऊर्जा का, रख दीजिए, इसलिए P बराबर होगा VIT बटे T, टी से टी कैंसिल, तो P बराबर VI लिखा जाएगा। शक्ति का मात्रक यहां से देखें तो वोल्ट गुना एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट इंटू एम्पियर, और इसका दूसरा मात्रक होता है वाट। ठीक है, वाट को W से लिखा जाता है, ये शक्ति का मात्रक है। इसके अन्य फॉर्मूले देखिए, चूंकि अगर मैं V बराबर रखूं IR, यहाँ पे V की वैल्यू IR रखूं, तो P बराबर होगा IR इंटू I, यानी कि P बराबर हो गया I² R। यदि मैं I बराबर V बटे R रखता हूँ तो P बराबर होगा V बटे R। ठीक है ना, I की जगह क्या रख देंगे? V बटे R, तो फॉर्मूला बनता है V² बटे R। तो इस तरह से पावर के तीन फॉर्मूले हो गए, VI, I² R, V² बटे R। ये तीन सूत्र होते हैं पावर के, जो कि अलग अलग वैल्यूज के आधार पर काम में लिए जाते हैं। मात्रक मैंने बता दिया वाट, इसका अन्य मात्रक आप यहाँ से भी लिख सकते हो, एक मात्रक यहाँ से भी आ जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल बटे सेकंड भी वाट के बराबर होता है। ठीक है, जूल बटे सेकंड भी किसके बराबर होता है बच्चों? वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसके कुछ अन्य बड़े मात्रक भी हम काम में लेते हैं, विद्युत शक्ति के व्यवहारिक रूप से अन्य बड़े मात्रक देखिए, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलोवाट बराबर 10^3 वाट, मेगावाट को 10^6 वाट लिखते हैं, गीगावाट को 10^9 वाट लिखते हैं। ये कुछ अन्य बड़े मात्रक हैं जो शक्ति के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हो। ठीक है, और यांत्रिक मात्रक जो होता है, विद्युत शक्ति का यांत्रिक मात्रक, मशीनों की विद्युत शक्ति को कैसे मापें, है ना, मशीनों की विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का यांत्रिक मात्रक बोलते हैं उसको, यांत्रिक मात्रक, वो होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को HP में लिखा जाता है, जो अपने घरों में सबमर्सिबल पानी निकालने की जो मोटरें वगैरह आती हैं उनकी विद्युत शक्ति, उनकी पावर को हम HP में मेजर करते हैं, 7 HP, 10 HP, या जो कारें होती हैं उनके इंजन की शक्ति को भी HP में मापा जाता है। और एक HP मतलब एक जो घोड़ा होता है, व्यस्क घोड़ा, उस घोड़े की पावर में जो शक्ति होती है, उस घोड़े में जो शक्ति होती है उसको 1 HP माना गया है, और वो लगभग 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 HP 740 वाट के बराबर होता है, ये विद्युत शक्ति का यांत्रिक मात्रक भी बोला जाता है। तो बच्चों, इन टॉपिकों के साथ चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा कंप्लीट होता है आपका। इसमें आपको इसके अलावा जो मैंने टॉपिक कराए हैं, या कराए हुए टॉपिक में या किसी न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।